जयपुर में साइबर अटैक का चौंकाने वाला मामला। आठवीं के स्टूडेंट ने अपने माता पिता पर किया साइबर अटैक। पहले तो माता पिता के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया, इसके बाद मोबाइल में हैकिंग ऐप इंस्टॉल कर सारा डेटा डिलीट किया। यही नहीं, घर वालों को डराने के लिए किए कई और जुगाड़ और घर की दीवारों और टेबल के नीचे लगाई छोटी छोटी डिवाइस ताकि घर वालों को लगे कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। परिजनों ने हरमाड़ा थाने में शिकायत दी। पुलिस ने साइबर थाने में केस ट्रांसफर किया। जांच में 13 साल के बच्चे की करतूत का खुलासा हुआ है। तो 13 साल का ये बच्चा किस तरह से अपने ही माता पिता को डराता है, ये जयपुर की घटना है। जयपुर में साइबर अटैक का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आठवीं के स्टूडेंट ने अपने माता पिता पर साइबर अटैक किया है। पहले तो माता पिता के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया और इसके बाद मोबाइल में हैकिंग ऐप इंस्टॉल कर सारा डेटा डिलीट कर दिया। यही नहीं, घर वालों को डराने के लिए कई और जुगाड़ भी किए। घर की दीवारों और टेबलों के नीचे छोटी छोटी डिवाइस लगा दी ताकि घर वालों को लगे कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। परिवारजनों ने हरमाड़ा थाने में शिकायत दी। पुलिस ने साइबर थाने में केस ट्रांसफर किया। जांच में 13 साल के बच्चे की करतूत का खुलासा हुआ है। जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे आज लेंगे शपथ। राजस्थान मुख्य न्यायाधीश के तौर पर लेंगे शपथ। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में शपथ दिलवाएंगे। आज शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीजे अकील कुरैशी के रिटायर होने के बाद कार्यवाहक सीजे संभाल रहे थे जिम्मेदारी। जस्टिस एम श्रीवास्तव संभाल रहे थे ये जिम्मेदारी। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे आज शपथ लेंगे। राजस्थान मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वो शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में उनको शपथ दिलाएंगे और आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीजे अकील कुरैशी के रिटायर होने के बाद कार्यवाहक सीजे संभाल रहे थे जिम्मेदारी। जस्टिस एम श्रीवास्तव ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे आज शपथ लेंगे। राजस्थान मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर मुहर लगी थी। जस्टिस एसएस शिंदे का जन्म 2 अगस्त 1960 को हुआ। मराठावाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से लॉ की पढ़ाई की, बाद में पुणे और इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय से की एलएलएम की डिग्री हासिल। 1989 में बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच में वकील के रूप में करियर शुरू किया था। 17 मार्च 2008 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया गया। तो अब आपको ये पूरा उनका सफर बता रहे हैं जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे, जो कि आज शपथ लेने वाले हैं। राजस्थान मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वो शपथ लेंगे। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर यह मुहर लगी थी। जस्टिस एसएस शिंदे का जन्म 2 अगस्त 1960 को हुआ। मराठावाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से लॉ की पढ़ाई की, बाद में पुणे और इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय से एलएलएम की डिग्री हासिल की। 1989 में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में वकील के रूप में करियर शुरू किया था। 17 मार्च 2008 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया गया। वरिष्ठ तीर्थ यात्रा के आवेदन 10 जुलाई तक। देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 60 साल से अधिक आयु के राजस्थान के मूल निवासी कर सकते आवेदन। 75 साल से अधिक आयु के नागरिक ले जा सकते सहायक। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग और दिव्यांग भी कर सकेंगे यात्रा के लिए आवेदन। जैन मुस्लिम मसीह समाज के तीर्थ भी शामिल। सितंबर अक्टूबर में ये यात्रा करवाई जाएगी। तो ये यात्रा होगी जो वरिष्ठ तीर्थ यात्रा के आवेदन 10 जुलाई तक होने हैं। देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 60 साल से अधिक आयु के राजस्थान के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे। 75 साल से अधिक आयु के नागरिक ले जा सकते सहायक। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग और दिव्यांग भी यात्रा कर सकेंगे और आवेदन भी कर सकेंगे। जैन मुस्लिम समाज मसीह समाज के तीर्थ भी इसमें शामिल होंगे। सितंबर अक्टूबर में ये तीर्थ यात्रा कराई जाएगी।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खबर है, भाजपा संसदीय बोर्ड की तरफ से नाम तय होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं फोन करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एचडी देवगौड़ा को फोन करके समर्थन मांगेंगे। आज नाम पर मंथन के लिए बैठक हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। संसदीय बोर्ड से 26 से 27 जून तक जो नाम है उस पर मोहर लग सकती है, यानी कि 26 से 27 जून हो सकता है इन दो दिनों में मोहर लग जाए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा संसदीय बोर्ड की तरफ से नाम तय होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं फोन करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एचडी देवगौड़ा को फोन करके समर्थन मांगेंगे। आज नाम पर मंथन के लिए बैठक हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। संसदीय बोर्ड के 26 और 27 जून तक नाम पर मोहर लग सकती है, तो संसदीय बोर्ड से हो सकता है कि 26 27 जून को नाम पर मोहर लग जाए, लेकिन उससे पहले लगातार जो है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खबरें आ रही हैं, कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कौन सा नाम शामिल होगा। कई नाम जो हैं वो रेस में शामिल, और अब एचडी देवगौड़ा को फ़ोन कर सोनिया गांधी को फ़ोन कर खुद पीएम मोदी समर्थन मांगेंगे और उसको लेकर बैठक भी हो सकती है, जो नाम है उनको लेकर बैठक हो सकती है। और जो संसदीय बोर्ड है वो 26 से 27 जून तक नाम पर मोहर लगा सकता है, क्योंकि अब जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति कोविंद का खत्म हो रहा है और उससे पहले चुनाव होने हैं और उस चुनाव के लिए लगातार तैयारियां हैं। जहां विपक्ष एकजुट होकर नाम घोषित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो नामों पर मंथन कर रही है। कई जो नाम हैं वो इस रेस में शामिल हैं और इस पर लगातार अभी भी मंथन जारी है, और ये माना जा रहा है कि 26 से 27 जून के बीच जो है वो संसदीय बोर्ड नाम पर मोहर लगा देगा, यानी कि जो बैठकों का दौर है वो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, लेकिन 26 27 के आसपास जो है वो नाम क्लियर हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय इसमें रहा नहीं है। जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो नाम देना है या उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि विपक्ष भी जो है वो अपने नाम पहले भी सुझाता रहा, हालांकि कई ने मना भी कर दिया। कई नेताओं का ये कहना कि अभी सक्रिय राजनीति में बहुत कुछ करना बाकी है, जैसे तो तमाम इन चीज़ों को लेकर विपक्ष हो या फिर सरकार हो वो नामों पर चर्चा कर रही है, और इसी तरह भाजपा जो है इसको लेकर बोर्ड बैठक भी कर रही है, यानी कि भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक कर रही है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, हो सकता है जल्द से जल्द जो नाम है वो सामने आ जाए। 26 और 27 के आसपास माना जा रहा है कि ये नाम सामने आ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी अब इसके बाद फोन करेंगे, समर्थन मांगेंगे। राष्ट्रपति चुनाव सबसे बड़ा चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव, और ये चुनाव जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हालांकि इससे सीधे जनता नहीं जुड़ती है,